श्वेता, देखिए वहां पर कई तरीके की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती मौसम की चुनौती, बहुत ज्यादा ठंड है। दूसरी चुनौती, ये लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं अपना सब कुछ छोड़कर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर जो जरूरत की चीजें हैं, जो सुविधाएं हैं, उसका अभाव है। एम्बुलेंसेस से इन्हें यहाँ पर इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है। अब आगे आपने कहा कि ये साउथ की तरफ मूव करेंगे, कौन सी वो सेफ जगह है जहां पर इन लोग को प्रेफरेंस के तौर पर ये जाना पसंद कर रहे हैं, यानी कि जाना चाहते हैं? नेहा, जितनी देर में आपने वो ब्रेकिंग न्यूज दिखाई है, यहाँ पर कम से कम 5 गोलों को फटने की आवाज आ चुकी है। अभी भी गोलियों की आवाजें लगातार आ रही हैं। ये देखिए, ये बसेस हैं जो आप पूछ रही हैं ना कि लोग कैसे निकल कर जाएंगे, तो ये बसेस हैं जिनमें लोगों को सवार कर दिया गया है। और इन बसों के साथ ये सबसे पीछे जो सफेद रंग की बस है, वो एक एस्कॉर्ट की तरह से आप समझ लीजिए, उसमें सुरक्षा कर्मी भी और कुछ मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहता है। तो ये सारी बसों का काफिला देखिए कहां तक लगा हुआ है। पूरे शहर को खाली कराना है तो कितनी बसों का इंतजाम करना होगा, लेकिन वो कहां तक पीछे जाएंगे? कीव में भी आज युद्ध विराम के बाद स्टेशन पर बुरा हाल है, लोग कैसे निकल कर जाएं? लोग करें तो क्या करें स्टेशन पर? हालांकि देखिए, भारत में रहते हुए सामान्य हो जाते हैं वो दृश्य हमारे लिए, जहां पर उतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखें, लेकिन जहां पर ये देखिए आगे फिर जो गाड़ियां आ रही हैं वो आ रही हैं, और सुरक्षा कर्मी किस तरीके से बिल्कुल तैनात है और तेजी से कह रहे हैं कि तेजी से वो सारी चीजें करो, तेजी से सबको निकालो। तो वो उनके मन में वो छटपटाहट भी अभी लग रही है कि जल्दी से इवैक्यूएट हो, तो ये भी तेज जवाब दे सके सबको, ये भी मुंहतोड़ जवाब दे सके उस हिसाब से, क्योंकि ये इस समय खुलकर इसलिए नहीं पलटवार कर सकते हैं क्योंकि उन गोलियों के जद में जो आम नागरिक है वो भी आ सकते हैं। फिर कुछ गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं लोगों को निकालने के लिए, और यहां पर सैनिक इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी निकल जाए तो यहां पर आगे की लड़ाई जो है उसे अंजाम दिया जा सके। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी भी डिफेंडिंग कंट्री के लिए होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे गोदी में लेकर, और बर्फ भी पड़ना शुरू हो गई, ये भी आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा नेहा। बर्फबारी और लोगों की इवैक्यूएशन के बीच सैनिकों को तो यहीं पर इनकी खड़ा रहना है। दो देशों के बीच जो युद्ध है, जिसमें ये सैनिक इस समय कम से कम कीव के भीतर घुसने के रास्ते को रोक कर खड़े हैं। और थोड़ा सा और आगे अगर मोहसिन आएंगे तो उन्हें दिखेगा कि वहां पर मोलोटोव कॉकटेल्स के जो क्रेट्स हैं वो रखे हुए हैं, वो क्रेट्स रखे गए हैं ताकि बिल्कुल उनके आगे बढ़ने के रास्ते को रोका जा सके। तो अवरोध भी देखिए, फिर गोला फटा है यहाँ पर। मुश्किल से, अगर मैं गलत नहीं हूं नेहा, तो मुश्किल से 1 किलोमीटर के दायरे में ये शेलिंग की आवाजें हमें आ रही हैं। भारत में रहते हुए इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट हमारे लिए समझना कि देखिए एक बार फिर, और आप आगे आकर अगर ये पूरे क्रेट्स को देखें, इन टायर्स को देखें कि कैसे अवरोध बनाया गया है, यहाँ के पेड़ों को जल्दबाजी में काट काट कर और उनका अवरोध बना दिया गया है, और उसके आगे फिर सैनिकों का एक ग्रुप खड़ा हुआ है जो अपनी पोजीशंस अब कुछ ही देर में लेगा नेहा। यहां से सिविलियंस को जल्दी से जल्दी हटाने की जरूरत इनके लिए सामने है कि पीछे भले ही उन्होंने कर लिया है लेकिन बहुत ज्यादा दूर उस हिस्से से अभी भी नहीं है सब। यहां पर केवल आपको या तो अंतर आप अगर सुन पाए जी, आप अगर सुन पाए, आप अगर सुन पाए तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी भीषण गोलाबारी पीछे चल रही है। भीषण गोलाबारी इस समय चल रही है। ऐसे भी नागरिक इलाकों में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स से हमलों की खबरें सामने आती हैं। रात के समय में जब वो होता है तो एक साथ कितने टारगेट्स पर और वहां से धुआं उठता हुआ दिख जाता है, लेकिन इस समय बादल भी आपको कवर कीव शहर पर नजर आएगा, जिनसे बर्फ बार बार बरस रही है, और उसके साथ वो गोले जो एडवांसिंग रशियन ट्रूप्स की तरफ से वो बरस रहे हैं। भले ही जो पूरा लंबा काफिला है रूस का वो कुछ दूरी पर रुका है, लेकिन जो छोटी लड़ाई है, जो पॉकेट्स में लड़ाई चल रही है, जो शहरों की लड़ाई चल रही है, वो इसी तरीके से इरपिन एक अहम शहर हो जाता है। अगर कीव की तरफ वो एडवांस देखा जाता है, उस एडवांस को रोक पाना किस तरीके से संभव होगा यूक्रेन की सेना के लिए पता नहीं, क्योंकि कीव पर आंच आते ही एक तरह से समझ लीजिए कि अगर रूस के राष्ट्रपति एक बात कह रहे हैं कीव को निशाना लेकर, तो उसके आगे बहुत ज्यादा गुंजाइश यूक्रेन के लिए फिर रह नहीं जाती है। लड़ाई ही कीव को
ये फिर सुनिए, ये लगातार पाउंड किया जा रहा है इस शहर को, लगातार ऐसे धमाके। और देखिए कीव शहर में जब हम रहते हैं ना, शहर के बीचों बीच नेहा, तो वहां पर वो सायरन्स आती हैं, लेकिन इन जगहों पर ये सबब से ये बाहर के इलाके हो जाते हैं, यहां पर सायरन्स की व्यवस्था नहीं है, अचानक ये गोले आते हैं, अचानक वो गोलाबारी होती है, और वही यहां पर हो भी रहा है रुक रुक कर। और ये जब आप एक के बाद एक सुनते हैं, एक के बाद एक ये गोले सुनते हैं, तो समझिए कि किसी नागरिक इलाके को अपनी जद में लेते हुए ये गोले रहते हैं। यहां की स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है। अगर रूसी आक्रमण बिल्कुल कीव के द्वार तक पहुंच चुका है, ये उत्तरी हिस्सा है कीव का नेहा, और यहां पर पता नहीं एक ऐसी व्यवस्था के साथ जिसमें आप गिनती के सैनिक भी बता सके, हालांकि जो मुकाबला वहां से एक जगह से पीछे की ओर बढ़ता है तो सैनिक भी कुछ हद तक विथड्रॉ करके और दूसरी जगह रीग्रुप करते हैं, लेकिन ये जो जिस चक्र के हिस्से में ये तमाम सैनिक है ना, ये उतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस एक तरह से दिख नहीं रहा है, उतनी मजबूत डिफेंस दिख नहीं रहा है कि उस हिसाब से एडवांसिंग फोर्सेस को रोका जा सके, लेकिन इन्हें उम्मीद है और यकीन है कि जो पीछे जो सेना जहां तक पहुंची है पूरी, वो वहां पर उन्हें वहीं पर थामने में कामयाब हो पाएंगे। नेहा।